लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज चौथा चरण है लोकसभा चुनाव का। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। कुल 1717 प्रत्याशी आज मैदान में हैं। तो तीन चरण पहले संपन्न हो गए, उसके बाद आज ये चौथा चरण है लोकसभा चुनाव का। और आपको बता दें कि टोटल 7 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं। आज चौथे चरण के लिए वोटिंग ठीक 7 बजे से शुरू हो गई है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चौथे चरण की वोटिंग ठीक 7 बजे से शुरू हुई है। कुल 1717 प्रत्याशी मैदान में हैं। कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। तो चौथा चरण है लोकसभा चुनाव का, जिसके लिए वोटिंग 7 बजे से शुरू हो गई है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए पहले तीन चरणों में 285 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। और अब आज चौथे चरण के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में कई मशहूर हस्तियों की किस्मत भी दांव पर है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज ये वोटिंग हो रही है। चुनाव के पहले तीन चरणों की बात करें तो पहले 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को और तीसरा 7 मई को हुआ, जिसमें 66.1%, 66.7% और 61% मतदान हुआ। 2019 के मुकाबले इन तीनों चरणों में कम वोटिंग हुई। वहीं लोकसभा चुनाव के आज इस चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें, तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर, तो बिहार की 40 में से 5 सीटें, झारखंड की 14 में से 4 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 48 में से 11, ओडिशा की 21 में से 4, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8, जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। वहीं दिग्गजों की अगर बात करें तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो कि कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट को यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के सुब्रत पाठक यहां से सांसद हैं और इन्हीं से अखिलेश यादव की टक्कर होनी है। इस सीट पर अखिलेश, मुलायम सिंह और डिम्पल यादव 1999 से जीत हासिल करते आए हैं, लेकिन 2019 में डिम्पल यादव यहां से चुनाव हार गई थी। वहीं उधर बात करें हैदराबाद की, तो असदुद्दीन ओवैसी को उनके पारिवारिक गढ़ में बीजेपी की माधवी लता से चुनौती मिल रही है। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, जबकि उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 6 बार इस मुस्लिम आबादी वाले संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और ओवैसी खुद को भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज के रूप में पेश करते हैं, जिनके मुद्दे वो नियमित रूप से अपनी संसदीय बहसों में उठाते हैं। इसके अलावा बात करें पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट की, तो यहां से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा मैदान में है। बीजेपी ने महुआ के खिलाफ अमृता रॉय को मैदान में उतारा है, जिनके पति इलाके के पूर्व राजा के वंशज हैं। महुआ मोइत्रा के संसदीय भाषण अक्सर वायरल होते रहते हैं। दिसंबर 2023 में सवाल पूछने के बदले कैश के आरोप के बाद उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया था। इधर शत्रुघ्न सिन्हा, अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान ये आसनसोल और बहरामपुर सीटें, जहां से बॉलीवुड अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से मुकाबला कर रहे हैं, जो कि 1999 से बहरामपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चौधरी निवर्तमान लोकसभा में विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे। यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो वोटिंग ठीक सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद जो पांचवा चरण है वो 20 मई को होगा, छठा चरण 25 मई को होगा, तो वहीं 1 जून को सातवां और आखिरी चरण होगा, और नतीजे लोकसभा चुनाव के 4 जून को सामने आएंगे।